अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में अमरीकी अड्डों की खबर को वाज़े अल्फाज में बेबुनियाद कहूंगा शाह महमूद कुरैशी। इमरान खान के होते पाकिस्तान में कोई अमरीकी अड्डा नहीं बनेगा। पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं बल्कि अम चाहता है। वजीर खारजा का सेनेट इजलास में पॉलिसी बयान। तफसीलात के मुताबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि पाकिस्तान में अड्डों की खबर को वाज़े अल्फाज में बेबुनियाद कहूंगा। इमरान खान के होते पाकिस्तान में कोई अमरीकी अड्डा नहीं बनेगा। पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं बल्कि अम चाहता है। उन्होंने सेनेट इजलास में पॉलिसी बयान देते हुए कहा कि अफगानिस्तान में फौजों के इनकला के बाद पैदा शुदा खला 90 की दहाई में ले जा सकता है। दुनिया पाकिस्तान को पहले मसले के तौर पर आज बतौर हल देख रही है। हम अफगानिस्तान में अमन मरहला आगे बढ़ाने में किरदार अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं बल्कि अमन चाहता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में अड्डों की खबर को वाज़े अल्फाज में बेबुनियाद कहूंगा। उन्होंने दौरे अमरीका और फलस्तीन के इशू पर कहा कि हमने गजा की सूरत हाल पर मुश्तरका हिकमत अमली अपनाई। सलामती कौंसिल ने इत्तेफाक राय में रुकावट डाली। सलामती कौंसिल किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। सलामती कौंसिल में 15 ममालिक में 14 एक तरफ और दूसरी तरफ अमरीका था। मसले फलस्तीन पर चीनी वजीर खारजा के तआवुन का शुक्रगुजार हूँ। चीन ने फलस्तीन के मसले को बहुत अहमियत दी। अब तक के लिए इतना ही। अगले बुलेटिन तक के लिए खुदा हाफिज़।